हम लोग का घर पे लाइन नहीं था तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ ना पाते थे। अब लाइन आ गया तो पढ़ लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडियन हर्ड। मैंने अक्टूबर 2020 में ग्राम पंडा खाप में बिजली नहीं होने के कारण 200 लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने एक समस्या वीडियो बनाया था। समस्या यहाँ पे बिजली नहीं है, यही समस्या है। और बोर्ड भी गड़ाया है लेकिन तार नहीं खींचा रहा है। और ग्राम पंडा खाप है, भुइया टोली 10-12 गांव घर है यहाँ पे, कि अभी तक लाइट नहीं आया है। 15-20 साल हो गया सर यहाँ घर बनाए हुए हम लोग का, 15-20 साल से लाइट नहीं आ रहा है। वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग स्क्रीनिंग करते हुए एक आवेदन बनाया और बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता से मिलकर समस्या पर बातचीत किए और वीडियो स्क्रीनिंग किए और 2 बार मिले और कई बार फोन से बातचीत किए और इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी पोस्ट किए, जिसके 1 वर्ष के बाद दिसंबर 2021 में बिजली विभाग द्वारा गांव में बिजली का कार्य पूर्ण कर लिया गया। बिजली का कार्य पूर्ण हो जाने से गांव में 200 लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। हमारे गांव में लाइन नहीं था, तब से सरोज भाई आए हैं यहाँ मीटिंग करवा के सबसे लिखा पढ़ी करके लेके गए, तो फिर कंप्लेन गया तो लगभग 1 साल के अंदर आ गया, 1.5 साल के अंदर लाइट। तो हम लोग का देखिए हर चीज़ में सुविधा हो गया, खेती करने के लिए और मोबाइल चार्ज करने के लिए और ये देखिए घर में लाइट जलाने के लिए। और देखिए जैसे रात को डर लगता था सांप बिच्छू का, उसका डर लगता था, वो लाइट भी जलाते हैं तो हम लोग को 8-9 बजे रात तक ले अच्छा लगता है घूमने में। और इस चीज़ का भी बहुत लाइट आ गया तब से हम लोग को अच्छा और लग भी रहा है और कोई चीज़ का दिक्कत भी नहीं हो रहा है। 2 साल पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं था, उसके बाद सरोज भाई आए और आवेदन लिखे, वीडियो बनाए, उसके बाद 1 साल से लाइन आ रहा है हमारे यहाँ और हर चीज़ में सुविधा। लाइन आने के बाद हर चीज़ में सुविधा हो गया है, बच्चे लोग के पढ़ने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, हर चीज़ में सुविधा हो गया है। उसके बाद पहले अंधेरा रहता था बहुत, हम लोग का डर भी लगता था, बहुत जल्दी खाना बना के सो जाते थे खा के। उसके बाद सरोज भाई आने के बाद हमारे समस्या सरकार तक पहुंचाएं, उसके बाद लाइन आया। इसके लिए हम सरोज भाई को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बात सरकार तक पहुंचाएं और उसके बाद लाइन चालू हुआ। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चला था कि कानाचट्टी प्रखंड के अंतर्गत पंडा खाप का एक गांव है, एक टोला है, उसमें 20-25 हरिजन लोग हैं, उन लोगों को बिजली से अभी तक वंचित थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मालूम होने के बाद हम लोग उस गांव का निरीक्षण किए और NCC के द्वारा उस गांव को हम लोग बिजली चालू करा दी। आज गांव में लोग बिजली जला रहे हैं। हम चाहेंगे आप जो चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप इसी प्रकार जो भी गाँव टोला छुटा हुआ है आप हमको बार बार बराबर हमको इस प्रकार से हमको आप सूचित करें ताकि हम गांव छूटे हुए गांव को भी हम बिजली पहुंचाएं। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा, आपके चैनल का बहुत सहयोग रहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। इस समस्या के समाधान में सहयोग करने के लिए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।